किसान साथियों, आज की वीडियो में हम टमाटर की खेती में कौन कौन से रोग आते हैं, किस तरीके से हम उसका पहचान कर सकते हैं और किस तरीके से हम उसका एक सही समय पर नियंत्रण कर सकते हैं, तो आज पूरा हम A to Z डिटेल समझने वाले हैं काफ़ी आसान भाषा में, जिससे नए और पुराने सभी किसान साथियों को आसानी के साथ समझ में आ पाए। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको सभी जानकारी सही विधि से समझ में आ पाएगी। तो नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम है पीताम्बर। तो चलिए किसान साथियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। शुरुआती स्टेज में किसान साथियों, जो जड़ का गलन और आलू कीड़ा है और जो और भी जो कीट है, वह जड़ को काट देते हैं, ऊपर जो पौधे को काट देते हैं, इस तरीके के जो समस्या है वह खासतौर पर शुरुआती स्टेज पर ही आपको देखने को मिलता है। तो उसके बारे में हमने ऑलरेडी जो है Part 2 में कवर कर चुके हैं किसान साथियों। तो अगर आपका जो फसल वह शुरुआती स्टेज में है तो आप पहले वह वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद कई सारे किसानों का भी यह सवाल आ रहा था कि आपने उसके बाद कौन से खाद डाले हैं। तो उसके बाद किसान साथियों, हमने जो खाद डाला है वह है DAP डाला है, 35 किलो है और 15 किलो पोटास डाला है। उसके बाद हम जो न्यू लीफ खाद है उसको भी फिर से ऐड किए हुए हैं किसान साथियों। जैसे कि जो हमारा टमाटर है उसको आप देख पा रहे हैं काफ़ी बेहतरीन है, हमको रिजल्ट अच्छा लगा तो हम उसको दोबारा से जो टमाटर है उसमें डाल रखे हैं। इतना हम जो है दो पौधे के बीच है उसमें मिक्स कर हमने डाला है किसान साथियों। अब आगे बढ़ते हैं किसान साथियों की रोग और नियंत्रण पर। किसान साथियों, टमाटर की खेती में ज़्यादातर जो समस्या है वह ब्लाइट की होती है। ब्लाइट जो है किसान साथियों कई प्रकार के होते हैं, अलग अलग ब्लाइट होते हैं किसान साथियों, और ख़ासतौर पर बरसात के सीज़न में इसकी समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसान साथियों, जैसे कि आप पौधे पर देखते हैं कि पौधे पर, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपको काला काला धब्बा देखने को मिल रहा होगा पौधे के बीच में, इस तरीके का जो ब्लाइट होता है यही खासतौर पर देखने को मिलती है किसान साथियों। उसके बाद आपको ब्लाइट की बात करें तो आपको इस तरीके से जो नए नए जो पत्तियाँ ऊपर से निकल रही होती है उस पर आपको ध्यान देना है किसान साथियों, कि अगर ऊपर का जो पत्तियाँ हैं वह निकल रही है, वह अगर फ्रेश है, इस तरीके से कोई इसमें समस्या जो है आपको देखने को नहीं मिल रही है, तो वैसे में जो फंगस है, जो ब्लाइट है, जो पत्तियों पे काला काला धब्बा आपको देखने को मिलती है, वह अगर नई पत्तियों में नहीं देखने को मिल रही है, तो वैसे में आप समझ सकते हैं कि जो समस्या है वह ख़त्म हो चुकी है। जब भी बारिश होती है उसके बाद जो है पौधे में काला काला धब्बा, इस तरीके का जो ब्लाइट है वह अवश्य आता है, तो उस पर आपको निरंतर तैयार रहना है। जब बारिश होती है उसके बाद ही आपको तुरंत जो ब्लाइट के लिए जो है फंगिसाइड कार्बेंडाजन मैंकोजेब का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, एसीटा उसके साथ, और एक एंटीबायोटिक आप उसमें ले सकते हैं, एंटीबायोटिक में आप बायोमेसिन ले सकते हैं किसान साथियों। इतना आपको जब जब बारिश होती है उसके बाद आपको स्प्रे करते रहना चाहिए किसान साथियों। यह तो हो गई किसान साथियों कि जब बारिश आती है उसके बाद, तो उसमें भी आपको जो है अलग अलग जो है चेंज कर आपको स्प्रे करते रहना चाहिए। उसके बाद किसान साथियों, आपने जैसे कि देखा होगा कि पौधा का जो ऊपरी सिरा होता है, जैसे कि यहाँ जो है यह पौधा का ऊपरी सिरा है, तो यहाँ से जो पौधा है वह पिघलने लगता है, काला काला पूरा पिघल जाता है, इस तरीके का आपको देखने को मिलता है। तो उसके लिए किसान साथियों आप कर्जेट का स्प्रे कर सकते हैं। उसमें अगर हम टेक्निकल की बात करें तो साइमोक्सानिल 8% और मैंकोजेब 64% होता है, उसका आप स्प्रे कर सकते हैं। उसके बाद किसान साथियों, आपने देखा होगा कि जो पौधा है वह साइड से, एक साइड से जो है भूरा भूरा धब्बा जैसा होने लगता है, और एक साइड से जो है मान के चलिए जलता हुआ पत्तियां हैं वह चारों तरफ से होने लगती है। उसके बाद यह जो फंगस है वह तने पर भी आ जाता है, यहाँ पर आप तने पर भी देख पा रहे हैं काला काला धब्बा देखने को मिल रही है, और वहाँ से जो है फल पर भी चला जाता है किसान साथियों। फल पर जाता है तो फल जो है कठोर हो जाता है और फल जो है सड़ने लगता है, इस तरीके का समस्या यहाँ पर देखने को मिलती है। तो आपको जो है प्रारंभिक स्टेज पर ही आपको इसको कंट्रोल करना होगा किसान साथियों। उसके लिए किसान साथियों आप M45 मैंकोजेब 75% का स्प्रे कर सकते हैं, मंडी प्रोपीडम 23.4% SC Farm का आप स्प्रे कर सकते हैं, साइमोक्लासिन 22.1% SC Farm प्लस, फेमोक्सोडोन 16.6% SC Farm का आप स्प्रे कर सकते हैं, मेटल एक्सिल M 3.3% SC Farm प्लस, क्लोरोथानोलिल 33.1% SC Farm का आप स्प्रे कर भी आप इसका नियंत्रण कर सकते हैं किसान साथियों। उसके बाद बात करते हैं किसान साथियों विल्ट का। विल्ट का भी जो परेशानी है वह काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, वह फसल को एक झटके में पूरा ख़त्म कर दे जाता है। फसल जो है
हरा भरा रहता है और फसल ऊपर से पूर्ण रूप से मुरझा जाता है और पौधा पूर्ण रूप से मर जाता है, वह विल्ट होता है किसान साथियों। तो विल्ट के नियंत्रण के लिए आप रोको प्लस बायोमेसिन डाल सकते हैं, उसके बाद कैस्केड प्लस वेलिडर डाल सकते हैं, या फिर आप ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास को भी आप डाल सकते हैं किसान साथियों। उसके बाद किसान साथियों इसमें जो है फूल झड़ने का भी समस्या काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, पीलापन की समस्या आपको काफ़ी देखने को मिलती है। फूल झड़ने की समस्या के ऊपर हमने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा। वह होता क्या है किसान साथियों कि फूलों के पास जो है पीलापन हो जाता है और जितना भी अपना फ्लावरिंग होता है वह झड़ जाता है किसान साथियों। उसके लिए आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे कर सकते हैं, मैंकोजेब 75% का स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आप कवच स्प्रे कर सकते हैं, क्लच स्प्रे कर सकते हैं, इस पर आपको 100% नियंत्रण देखने को मिल जाती है। उसके बाद आता है किसान साथियों चूसक। चूसक का भी जो अटैक है वह टमाटर की खेती में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। चूसक जैसे कि नाम से ही पता चलता है किसान साथियों, यह जो है जो पत्तियां हैं उसमें बैठकर जो रस है उसको चूस लेती है। तो इसको पहचानने का तरीका यह है किसान साथियों कि जो आपका पौधा है उसको आपको हिलाकर देखना है, फिर वहाँ पर आप छोटे छोटे आपको कीट देखने को मिलेंगे, वह काफ़ी अधिक मात्रा में होते हैं, वह उड़ने लगता है, वैसे में आप समझ जाइएगा कि वह चूसक है। तो चूसक के नियंत्रण के लिए आप पोलिस का स्प्रे कर सकते हैं, पेगासस का स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आप पेनामा का स्प्रे कर सकते हैं। इसमें आपको जो चूसक है उस पर 100% नियंत्रण देखने को मिल जाएगा। उसके बाद किसान साथियों इसमें थ्रिप्स का भी जो है काफ़ी ज़्यादा अटैक देखने को मिलता है। थ्रिप्स का जो अटैक होता है उससे जो है इस तरीके से जो है पत्तियाँ ऊपर की तरफ मुड़ जाता है, यह भी एक काफ़ी बड़ा जो समस्या है वह हमेशा से रही है थ्रिप्स का किसान साथियों। तो थ्रिप्स का जो कंट्रोल है उसके लिए आप इमिडा क्लोराइड 40% प्लस फिप्रोनिल 40% का आप स्प्रे कर सकते हैं। उसके बाद आप फिप्रोनिल 80% WG का आप स्प्रे कर सकते हैं। उसके बाद आप स्मिनोसेड 45% SC फार्म का आप स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आप स्पाइनेटोरम का भी स्प्रे कर सकते हैं। इसमें आपको थ्रिप्स पर 100% नियंत्रण देखने को मिल जाएगा। उसके बाद इसमें जो है लीफ माइनर का भी अटैक देखने को मिलता है। लीफ माइनर जो है पत्तियों में आपको साफ नज़र में आता है कि इस तरीके से जो है लीफ माइनर होता है। तो लीफ माइनर के नियंत्रण के लिए आप हाक का स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आप खतरा का स्प्रे कर सकते हैं, इस पर आपको 100% नियंत्रण देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आता है किसान साथियों लीफ कर्ल, जो कि इस वर्ष काफ़ी ज़्यादा जो है टमाटर के किसानों को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है। उसको जो है कोकड़ीपन भी कहा जाता है कई जगह पर। जो पौधा है वह इस तरीके का हो जाता है, पौधा का जो विकास है वह पूर्ण रूप से ब्लॉक हो जाता है, फ्लावरिंग फ्रूटिंग कुछ भी उसमें आपको देखने को नहीं मिलती, और इस तरीके का भी जो है समस्या काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है। यह जो है काफ़ी ज़्यादा फैलने वाली जो है बीमारी है, आप इसको वायरस भी कह सकते हैं। इसमें जो है इसका जो परमानेंट कोई इलाज अभी तक देखने को नहीं मिला है, उसका जो है आप आगे बढ़ने से उसको रोक सकते हैं। जो पौधा जो है डैमेज हो चुका है, ग्रसित हो चुका है, उसको बचाया नहीं जा सकता। उसके लिए किसान साथियों आपको सबसे पहले यह करना है कि जो आपके प्लॉट है उसमें जितना भी इस तरीके का पौधा है उसको आप निकाल कर कहीं दूर फेंक सकते हैं। उसके बाद कौन से जो कीटक है जो यह जो रोग है उसको फैलाने का काम करती है किसान साथियों, उस पर आपको ध्यान देना है और उस पर आपको नियंत्रण करने की कोशिश करना है। जितना बचा हुआ पौधा है उस पर आप उसको आप बचा सकते हैं, वह रोग को फैलने से आप बचा सकते हैं। उसको फैलाने का काम करता है किसान साथियों वह होता है वाइट फ्लाई और सकिंग पेस्ट, यह जो होते हैं वह उसको फैलाने का काम करते हैं। तो आप उस पर उसके लिए आप स्प्रे कर सकते हैं किसान साथियों एसीडम एप्रिड 20% SP फार्म प्लस थैमोथोक्सम 25% WG फॉर्म में आता है, उसका आप स्प्रे कर उस पर नियंत्रण कर सकते हैं। उसके बाद आगे समस्या आती है किसान साथियों की, जो फल है उसमें सड़ने की समस्या आती है वह तो एक अलग बात हो गई किसान साथियों। उसमें जो है काला काला धब्बा उसमें भी जो है पड़ जाता है, जिसकी वजह से क्वालिटी है वह बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और टमाटर जो है फटने भी लगता है, यह भी समस्या काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो उसके लिए किसान साथियों अगर आपके जो टमाटर है उसमें ब्लाइड नहीं आया है, उसमें काला काला धब्बा इस तरीके का आपको देखने को नहीं मिल रहा है, तो वैसे में आप बोरान और कैल्शियम का स्प्रे कर सकते हैं। बोरान और कैल्शियम की कमी की वजह से जो टमाटर है वह फटने लगता है, और अगर आपके जो टमाटर है उसमें काला काला धब्बा देखने को मिल रही है तो वैसे में आप बोरान और कवच का कॉम्बिनेशन आप डाल सकते हैं। उसमें जो है आपको जो टमाटर है वह फटने की भी समस्या देखने को नहीं मिलने वाली, और जो
दाग धब्बे हैं वह भी आपको देखने को भी नहीं मिलने वाली। आपका जो टमाटर है उसकी क्वालिटी अलग रहेगी, चमक उसमें आपको अलग ही देखने को मिलने वाली है। अब बात करते हैं किसान साथियों टमाटर की खेती में लगने वाली इल्लियों की फल छेदक कीट की। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह भी हो सकता है, तो आपको कीट पर भी स्टार्टिंग समय पर ही स्टार्टिंग पोजीशन पर ही आपको नियंत्रण करना होगा। अगर हम कीटनाशक की सही समय की बात करें तो जब आपके जो फसल है प्लॉट है उसमें फ्रूटिंग लगना स्टार्ट हो चुका है, जब सेट होने लगा है, उस समय पर ही 100% देखने को मिला है कि कीट का अटैक होता ही है, तो उस समय आप स्प्रे कर सकते हैं किसान साथियों। कीटनाशक की अगर हम बात करें तो फेम है, कोराजन है, कोराजन में आप डुप्लीकेट भी आ गया है तो उस पर आप ध्यान दे सकते हैं। डेमोलिस है, इसका आप स्प्रे कर कीट पर भी अच्छी तरीके से नियंत्रण कर सकते हैं किसान साथियों। और एक चीज़ का आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक नोटिस करना है किसान साथियों कि ज़्यादातर जो रोग है वह जड़ से ही आते हैं, फफूंदनाशक रोग होते हैं वह, तो उसके लिए आप जब भी ड्रिंचिंग करते हैं तो आपको जो है एक फंगीसाइड का ड्रिंचिंग अवश्य करना चाहिए। और अगर हम एक शेड्यूल की बात करें तो आपको शेड्यूल क्या रखना चाहिए स्प्रे का, तो अब कीटनाशक की बात करें तो कीटनाशक अलग अलग रेंज का आता है, जैसे कि कोराजन 15 से 20 दिन के आसपास उसका टारगेट रहता है, उतने दिन तक वह जो है कीट का कंट्रोल कर रखता है। ज़्यादातर जो समस्या वह फंगस को लेकर है किसान साथियों, तो आपको जो है फंगस पर एक शेड्यूल रखना चाहिए, कम से कम 6 से 7 दिनों के बीच जो है फंगीसाइड पड़ना चाहिए। कार्बेंडाजिम मैंकोजेब का कॉम्बिनेशन प्लस एसिटा प्लस बरसात होने की स्थिति में आपको जो है बायोमेसिन एंटीबायोटिक का आपको हर हफ्ते में एक बार आपको स्प्रे करना ही है किसान साथियों। बीच में बारिश हो जाती है तो बात अलग है कि और आपको स्प्रे लेना पड़ सकता है, अलग अलग आपको चेंज कर लेना है किसान साथियों। माइक्रोन्यूट्रिएंट भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, उस पर भी आपको ध्यान देना होगा। हालांकि हम जो खाद हम जो ऑर्गेनिक मैनुअल डाले हैं न्यू लीफ, उसमें सभी तरीके का जो पोषक तत्व है वह मौजूद है, प्राथमिक सेकेंडरी और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है वह भी उसमें होता है किसान साथियों। तो इस वजह से हमें अगर हम ऊपर से नहीं भी देते हैं तो हम जो है जड़ के माध्यम से उसको दे ही लेते हैं, उसके बाद भी हम बीच बीच में जो स्प्रे है उसके माध्यम से भी माइक्रोन्यूट्रिएंट देते ही रहते हैं। जो न्यू लीफ ऑर्गेनिक मैनुअल है उसको आप चाहे तो ऑनलाइन मंगा सकते हैं किसान साथियों, इसको आप टमाटर के साथ कोई भी फसल में और कोई भी स्टेज में डाल सकते हैं। साथियों स्क्रीन पर आपको एक नंबर देखने को मिल रहा होगा, ऑल ओवर इंडिया पर बाइक ट्रांसपोर्ट करती है किसान साथियों, तो नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कंपनी आपको स्वयं जवाब देगी और डिस्क्रिप्शन में भी उसका नंबर दे दूंगा, आप चाहे तो यह खाद को मंगवा सकते हैं। तो बस किसान साथियों उम्मीद है आपको टमाटर की खेती में होने वाली A to Z रोग का पहचान करने में और उसका नियंत्रण करने में यह वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हुई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक कर दे और जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। आप वीडियो तो पूरा देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो जाते जाते सब्सक्राइब भी कर दे और अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर भी कर दे ताकि यह जानकारी सभी किसान साथियों तक पहुँच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।